ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में हम लोग आज रिवाइज करेंगे चैप्टर 11 को, कैंटो 1, भगवान का द्वारका में प्रवेश। तो पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर डिस्कशन हमने सुना द्वारका वासियों के बीच में। द्वारका में कई तरह के लोग थे, कुछ भगवान के मित्र थे, कुछ भगवान की माता थी, भगवान के पिता थे, भगवान के पत्नियां थी। तो सबके साथ अलग अलग कुछ इसमें डिस्कशन भगवान के हुए, तो बहुत ही भावुक डिस्कशन भक्तों के रहे। ऐसा लगता था भक्तों के भगवान बहुत समय बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि भगवान हस्तिनापुर से वापस आ रहे थे, तो काफ़ी समय तक हस्तिनापुर में थे। युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद भी उनको रोक लिया गया था, तो उस समय के बाद भगवान वापस आते हैं और ये अध्याय शुरू होता है। तो भगवान जब द्वारका आ रहे थे, सबसे पहले आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने बहुत दूर से ही, ताकि भक्तों का धैर्य समाप्त ना हो जाए, कोई मर ना जाए, भगवान ने काफ़ी दूर से अपना शंख बजा दिया। हाँ, और हमने सुना कि शंख जब भगवान के होंठों को टच करता है, तो कैसे भगवान के लाल लाल होंठ उसको टच करते हैं, तो कितना वो सुहावना, उस दृश्य कितना सुहावना लगता है, जैसे कि उस सफ़ेद हंस के ऊपर कोई साथ में कोई लाल कमल का पुष्प हो, ऐसे भगवान के होंठ उस शंख में लगते हैं। भगवान का दिव्य शंख भगवान को बजाते हैं, अपने आने की अनाउंसमेंट करते हैं, और जैसे ही द्वारकावासी भगवान के दिव्य शंख को सुनते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान साक्षात आ गए हैं। और भगवान को वेट नहीं करते, चलो ठीक है आएंगे, अभी तो समय है, अभी बैठते हैं, थोड़ी देर खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर करेंगे। वो तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं और भगवान का वेलकम करने के लिए तरह तरह के गिफ्ट लेके जाते हैं। तो हमने सीखा किस प्रकार से भगवान सब सारी चीज़ों के ओनर कृष्ण हैं, सब कुछ देने वाले हमें कृष्ण हैं, और हम कृष्ण को ही कृष्ण की वस्तुएं प्रदान करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ लव करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल सुना था कि बच्चा जो है अपने पिताजी के लिए जब गिफ्ट लाता है, तो बच्चे पे पैसे कहाँ से आते हैं, पिता से तो आते हैं, लेकिन पिताजी को कितनी प्रसन्नता होती है। तो उससे ये दिखाता है कि ये व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है, ये मेरे बारे में सोचता है, जस्ट थिंकिंग, मैटर ऑफ थिंकिंग। इसी तरह से हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं, हम भोग ऑफरिंग करते हैं। कोई लोग कहते हैं, क्या तुम्हारी ये मूर्ति खाती है क्या, वो मूर्ख लोग हैं, वो क्या जाने प्रेम संबंधों को कि कितने प्यार से भगवान सब जगह हैं, हर चीज़ के अंदर व्याप्त हैं। हाँ, तो फिर पत्थर में ही नहीं है, हाँ सब जगह हैं लेकिन पत्थर में नहीं है, वेरी गुड। और वो केवल पत्थर नहीं रह जाता है जब उसकी उसकी जो विग्रह सेवा बड़े तरीके से करी जाती है। जैसे हमने सुना कि कागज़ का नोट है करेंसी नोट बन जाता है जस्ट बाई स्टैम्पिंग, तो उसी तरह से एक सामान्य पत्थर विग्रह बन जाता है, और हम प्रेम से भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान की ही वस्तुएं हैं सारी। तो द्वारकावासी कई तरह की चीज़ें लेके आए भगवान के लिए, जो कि स्वयं आत्माराम हैं। हाँ, और उसके बाद वो कई सारी बातें करते हैं भगवान के बारे में, बताएं, हे भगवान, हे कृष्णा, आपको ब्रह्मा जी के द्वारा आप पूजित हैं, चार कुमारों के द्वारा आप पूजित हैं, इंद्र के द्वारा भी आप पूजित हैं, और आप उनके परम आश्रय हैं जो सुप्रीम गोल चाहते हैं संसार में, जो सर्वोच्चतम वस्तु चाहता है, जो छोटे मोटे कांच के टुकड़े हीरे चांदी चाहता है उसके लिए नहीं, जो सर्वोच्चम सर्वोत्तम वस्तु चाहता है उसके आप आश्रय हैं, और कभी भी आप समय के द्वारा प्रभावित नहीं होते, स्वयं को समय को आप ही प्रभावित करते हैं। और यदि आपको, मतलब आपको ही लाइफ का गोल बना दिया जाए, तो सारी सक्सेस उस व्यक्ति को मिलती है। और वो कहते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे वेल विशर हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे वर्शिबल डीटी हैं, आपको फॉलो करके, आपकी सेवा करके, आपके भक्तों की सेवा करके हम सारी ब्लिस, यानी कि सारा आनंद प्राप्त करते हैं। और ये बहुत रेयर है कि कोई व्यक्ति आपके दर्शन कर पाए, बहुत रेयर है। हम कितने भाग्यवान हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, और वास्तव में हम कितने भाग्यवान हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान के कितने दर्शन करते हैं। हम रोज दर्शन आरती करते हैं, उसमें भगवान के दर्शन करते हैं, हम भगवान के नाम के थ्रू भगवान के दर्शन करते हैं, हम भगवान के विग्रह, नाम, धाम, भक्तों के रूप में भगवान के नित्य दर्शन करते हैं। ये भी बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है इस कलयुग के अंदर, इसलिए हमें इसकी बड़ी वैल्यू करनी चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि इट इज़ वेरी अनबियरेबल कि हम आपका जो विरह को सहन कर सकें, आप मथुरा चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं, उनसे मिल के आते हैं, बहुत समय लगता है, एक एक क्षण हमें लाखों सालों जैसा लगता है, हमारी आँखें ऐसी हो जाती हैं
जैसे सूर्य के बिना आंखें, अब सूर्य नहीं होता है तो आंखों को दिखता नहीं है, जबकि आंखों की कैपेसिटी है, उसी तरह से हम हो जाते हैं, हम कैसे जिंदा रहेंगे यदि आप इस तरह हमें छोड़ के जाएंगे। तो उसके बाद में द्वारका सिटी के डेकोरेशन के बारे में डिस्कशन होती है कि द्वारका सिटी कैसी थी। तो यहाँ बताया जाता है कि द्वारका सिटी बड़ी ऑपुलेंट थी, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया जलाशय थे जो कि फूलों से फलों से पेड़ लदे थे, जलाशय में फूल थे, कमल थे, कई जगह वहाँ पे गार्डन पार्क्स वगैरह बने हुए थे, और भगवान के वेलकम के लिए जितनी भी रोड वगैरह थी सारी रोडों में खुशबूदार जल छिड़का गया था, सारी रोड को सजाया गया था। न केवल सारी रोडों को सजाया गया था बल्कि हर व्यक्ति ने अपना घर सजाया था, हर व्यक्ति ने अपने घर में दही फल गन्ना ऐसी शुद्ध चीज़ें रखी गई थी, वाटर पॉट्स थे, और पूजा की सामग्री हर किसी ने रखी थी भगवान की पूजा के लिए। तो हमने सुना था कि इस प्रकार से सजावट की जो वस्तुएं हैं वो कितनी नेचुरल होती थी। भगवान जो है हमारे वन माली हैं, उन्हें नेचुरल चीज़ें बड़ी पसंद हैं। वास्तव में जीवन का जो हमने ये भी सुना था कि इस प्रकार से शहरों से भागकर आदमी एक दो हफ्ते पहाड़ों में जाके बिताता है तो बड़ा सुकून महसूस करता है, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी वास्तव में नकली ज़िंदगी है जो हम जीते हैं। तो नकली ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तो हमने सुना था कैसे नेचुरल चीज़ें थी सजाने की भी, हमने सुना कैसे आजकल चीज़ें अब समाज ऐसा बन गया है जिस टेंटों में अब शादी होती हैं उन टेंटों को कभी आप दिन में देख लो तो आपकी हालत ख़राब हो जाए, इतने दाग होते हैं उसमें, घटिया गंदे होते हैं, लेकिन रात को चमक रहे होते हैं लाइट में, एक भी दाग नहीं दिखता है, हमें लगता है कि आलीशान शादी है। वही देखा जाए तो आप सच्चाई देखें तो जिस तरह से वो टेंट का सामान रखा जाता है, जिस तरह से लाया जाता है, बट वही ये दिखावे का ज़िंदगी है तो क्या कर सकते हैं। चलो हम हर चीज़ को तो नहीं बदल सकते हैं, कम से कम अपने हृदय में सरलता ला सकते हैं। तो पर भगवान को इसी तरह का डेकोरेशन बड़ा प्रिय है, तो सारी नेचुरल चीज़ों से वहाँ पे डेकोरेशन करी गई थी, बहुत ही भव्य बड़े हृदय से। देखिए इतने बड़े बड़े काम ना मैनेजमेंट से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ मैनेजमेंट करती हैं लेकिन मैनेजमेंट फेल हो जाती है। ये काम तभी सफल होते हैं जब सबका उद्देश्य ही एक होता है, कृष्ण की प्रसन्नता, तब मैनेजमेंट उतना कम हो जाता है। जितने लोगों के अंदर भक्ति ज़्यादा होगी उतनी मैनेजमेंट सिंपल होगी, जहाँ पर जितने ज़्यादा अभक्त होंगे उतनी मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। इसलिए यदि आपस में बड़ा विरोध है, हाँ कोई भी काम चलने में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब वो जगह पर भक्त रहते ही नहीं है। भक्तों के समाज में मतभेद होना, झगड़े होना ये उचित नहीं है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम से बड़ा उल्लास होता है, बड़ा उत्साह होता है कि इस उत्सव को मनाएंगे। इट इज़ वेरी, है ना, कई बार उत्सव बर्डन हो जाते हैं, अरे ये आ गया उत्सव ये मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या सोचेंगे, नहीं मनाएंगे तो ये व्यक्ति क्या सोचेगा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, है ना। तो लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट होती है भगवान के आने की, यहाँ ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। ऐसे ही भगवान के उत्सवों के लिए हमारे हृदय में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हमारे वैष्णव उत्सव होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स लाइक ए मैनेजमेंट कि हम कुछ लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारी सेवा है, फिर कह रहे हैं प्रभु जी सेवा करें, ओ प्रभु जी भूल गया, दिस इज़ नॉट अ गुड। ये बड़ा ही समझ लीजिए हमारे हृदय में, ये चैप्टर हम किस लिए पढ़ रहे हैं बताइए, हाँ इस चैप्टर को पढ़ने का क्या औचित्य है। भगवान का द्वारका में आना पूरा चैप्टर, आप कह रहे हैं कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है, पका हुआ फल है भागवतम, ये है भागवतम। 11वें चैप्टर में कुछ और बताया आपने, हाँ भगवान का वेलकम कर रहे हैं, बताइए कोई सजा रहा है, कोई नाच रहा है, दिस इज़ ऑल वेलकम, दिस ऑल अबाउट, हाँ यही भागवतम है आपकी, यही आपको समझना पड़ेगा कि यही है भागवतम। जहाँ पे बड़े माइन्यूट लेवल पे हमारे चित्त में ना, ये चित्त के उसको अगर व्यक्ति को शरणागति होता है वही समझ पाएगा इसको, वरना तो पढ़ के निकल जाएगा, अरे इस चैप्टर में कुछ नहीं था जी, पन्ने पलटो, हाँ भगवान आ रहे हैं, वो छत पे चढ़ गया, वो नीचे आ गया, वो वेलकम के लिए माला ले आया, व्हाट इज़ दिस ऑल नॉनसेंस। तो समाज साधारण व्यक्ति इसको ऐसे ही लेता है, इसको समझना चाहिए कि कितनी एक्साइटमेंट है भगवान से मिलने के लिए, उनके वेलकम के लिए, हाँ उनके प्रति कितना स्नेह है, हाँ और कितनी उत्सुकता से हर किसी ने अपने घर को सजाया है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, किसी भी उत्सव में यदि आपके हृदय में उत्साह नहीं है और सेवाओं के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ रहा है बार बार, तो इट इज़ वेरी बैड कंडीशन, हमारा हृदय जो है बड़ा घटिया स्थिति में है, चाहे हम माला करें डज नॉट मैटर, हाँ तो ऐसा हृदय हमें लाना पड़ेगा। तो सारे घरों में ये इस तरह का उत्सव का माहौल था, कृष्ण आ रहे हैं, और जैसे ही भगवान के कई सारे भक्तों ने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं, जिनके नाम है वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारु देशना और सांब,
ये इतने एक्साइटेड हो गए कि कोई लेटा हुआ था, कोई किसी से मीटिंग कर रहा था, कोई डिस्कशन कर रहा था कोई पत्नी के साथ, तो सब लोग अपनी अपनी स्थिति को वैसे ही छोड़ के भाग लिए, इससे पहले कि भगवान अंदर आ जाएं, हम उनका बाहर जाके वेलकम करेंगे। और तो और कई सारी वैश्याएं भगवान से मिलने आ गई। तो हमने सुना कि भगवान की कृपा सभी के लिए है, चाहे कोई पापी व्यक्ति भी हो उसके लिए भी भगवान की कृपा है। और कौन आए, कई सारे ड्रामे ड्रम बजाने वाले आर्टिस्ट, बांसुरी बजाने वाले, अलग अलग प्रकार के गायक, सारे कलाकार अपनी कला से भगवान को प्रसन्न करने आ गए। जैसे हमने सुना कि यज्ञर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकाय कर्मवंदना, ये गाना बजाना हमें मिलता है। हम पागलों कितने हमने सुना इंडियन आइडल और ये और वो अपने गले को बेचने के लिए जाते हैं। अरे भैया, किसने दिया था गला और किसको बेच रहे हो? ये सुरीली आवाज तुम्हें फिल्मी गाने के लिए दी गई थी क्या? नारद मुनि ने एक बार फिल्मी गाने गाए थे, उनको श्राप मिला था तो वे दासी पुत्र बने थे। अब इनको पता हो तभी तो वे सुधरे, इनको पता करने की भी फुर्सत हो। इनको इतना सुरीला गला दिया, मुझे कई बार लगता है, लेकिन ठीक है चलो, लगता है कि हमारे गले तो इतने सुरीले नहीं है। वाकई में इतने सुरीले गले हमें मिले होते तो हम कृष्ण की गीत गा रहे होते, लेकिन जिन दुष्टों को ये गले मिले उन्होंने बेच दिए इन गलों को। कितने शर्म की बात है कि जिस भगवान ने इनको गला दिया उसी को, उस भगवान को पूछा ही नहीं, किसी और थर्ड पर्सन को बेच दिया। तो इस प्रकार से ये सारे लोग एक्सपर्ट लोग वहाँ गाने बजाने आ गए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से हमने सुना कि किस प्रकार से कृष्ण को ही हर किसी से हमें हर किसी के लिए ऑनरेबल पर्सनैलिटी जो है वो कृष्ण है। तो भगवान ने क्या किया, उसके बाद भगवान ने हर व्यक्ति के साथ रेसिप्रोक्रेट किया। कई भगवान से बड़े थे, उनके पैर छुए, कईयों के भगवान गले मिले, कईयों को देख के मुस्कुरा दिए। बस यही उनका पारितोषिक था, अरे मुझे भगवान ने देखा, मेरी तरफ भगवान की आंख पड़ी। तो सभी की तरफ भगवान ने देखा, हंसे, इतनी तादाद में लोग थे तो ये सबके साथ उन्होंने पर्सनल एक रिलेशन बनाया। और उसके बाद भगवान जो है ब्राह्मणों के साथ और रिलेटिव के साथ अपनी द्वारका सिटी में एंटर हो, ये तो सिटी में एंटर होने से पहले ही हो गया। उसके बाद भगवान की ब्यूटी के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कि द्वारका की जो स्त्रियाँ थी वो छत पर चढ़ गई एक्साइटमेंट से, वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार से एक उत्सव था वहाँ पर, दर्शन उत्सव। प्रभुपाद बोलते हैं कि दर्शन उत्सव आज भी मनाया जाता है, आज भी लंबी लाइनें होती हैं द्वार, हम देखते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार वो स्त्रियाँ दर्शन करने के लिए चली गई और वो भगवान की ब्यूटी के बारे में डिस्कशन होता है कि भगवान की चेस्ट जो है कितनी सुंदर है, वो स्वयं लक्ष्मी जी का स्थान है। भगवान का फेस जो है, उनका जो चेहरा है वो ऐसा है कि जैसे आँखों के लिए एक अमृत के प्याले हैं, ऐसा उनका चेहरा है। उनके जो भुजाएं हैं वो देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके जो पैर हैं वो भगवान के भक्तों के आश्रय स्थल हैं। इसलिए इस प्रकार से उनकी पूरे शरीर की ब्यूटी को बताया गया। और बताया गया कि जब भगवान चल रहे थे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला थी वाइट कलर की, जिसको सूर्य की तरह बताया गया, और उनको चमर हो रहे थे वो वाइट कलर के, उनको मून की तरह बताया गया। उसके ऊपर कई सारे फूलों की वर्षा हो रही थी, उसको तारों की तरह बताया गया, जैसे तारे गिराए जा रहे हैं। उसके बाद उनके गले में उनके शरीर में जो है पीतांबर थे, जो कि बिजली की तरह बताया गया, इतनी चमक थी उनके अंदर। और उनके गले में फूलों की माला थी जो कि रेनबो इंद्रधनुष की भांति उसको बताया गया। तो इस तरह से, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था उसको बताया गया जैसे कि बादलों का, बारिश के आने से पहले जो बादल होते हैं वो बादलों का कलर। तो इस प्रकार से भगवान की ब्यूटी के बारे में इन माताओं ने, इन लेडीज़ ने डिस्क्रिप्शन किया, आपस में डिस्कशन किया। और उसके बाद में भगवान की माताएं आई, वासुदेव की पत्नियां, उन्होंने भगवान को गले लगाया, भगवान ने उनको ओबेसेंसेस की, प्रणाम किया, और उसके बाद में उन्होंने उनको अपनी गोद में ही बिठा लिया। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान को कोई गोद में बिठा सकता है क्या, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन इनके माताओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, आदर नहीं था कि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान इस भावना को भुला देते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ, ताकि उनके साथ आदान प्रदान किया जा सके, रस का आदान प्रदान, माता और बेटे का, पति और पत्नी का। तो उन्होंने गले में बिठा लिया जैसे अपने बच्चे को बिठाते हैं, और उनको एक तरह से इतना हृदय में प्रेम आया कि आंसुओं से भगवान भीग गए और उनके वक्ष स्थल से, उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। इस तरह का प्रेम उनके हृदय में आया। उसके बाद में भगवान अपनी पत्नियों से मिलने गए, जो कि 16108 रानियां थी,
और अलग अलग महलों में भगवान एक साथ पहुंचे, और इतने समय के बाद जब रानियों ने देखी तो एकदम से स्तब्ध रह गई। उन्होंने भगवान को अपने हृदय से गले लगाया, उसके बाद अपनी नेत्रों से गले लगाया, और उसके बाद अपने पुत्रों और पुत्रियों के माध्यम से गले लगाया। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुई और जोर जोर से रोने लगी। और इस प्रकार से भगवान के बारे में वो बताते हैं कि भगवान के लिए भगवान का रूप, उनका सौंदर्य, उनके चरण के दर्शन उनकी भक्तों के लिए हमेशा फ्रेश रहते हैं। हम लोग रोज ही दर्शन करते हैं कि नहीं? हम लोग रोज ही दर्शन आरती करते हैं, हम लोग रोज ही उन्हीं उसी का दर्शन करते हैं और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। यही भक्तों का हृदय है, वो भगवान के नित्य दर्शन करते हैं और नित्य एक नई फ्रेशनेस उनको भगवान में दिखती है। और ये कौन है भगवान? ये कोई साधारण भगवान नहीं है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये वो भगवान है जिनने कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ ना करते हुए सबको मरवा डाला। इस तरीके से जैसे कि जंगल में बांस आपस में रगड़ते हैं और अग्नि पकड़ लेती है, इसी प्रकार से भगवान ने उनके हृदयों में ईर्ष्या पैदा करी और वो आपस में लड़े और भगवान आराम से सारा काम कर गए। वही भगवान इस संसार में घूम रहे हैं और संसार के लोग उनको एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं और उनके प्रेम संबंध को अपनी पत्नियों के साथ एक साधारण पुरुष और स्त्री का प्रेम संबंध समझते हैं। ये वही भगवान है जिनकी इंद्रियों को कोई एजिटेट नहीं कर सकता है, कोई विचलित नहीं कर सकता है। जो द्वारका की जो क्वींस थी वो इतनी सुंदर स्त्रियां थी कि कामदेव भी उनसे अट्रैक्ट हो जाए, लॉर्ड शिवा भी अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन भगवान को वो जरा भी विचलित नहीं कर पाई, ऐसा मेंशन आता है। क्योंकि वो हर तरह से आत्माराम है, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है आनंद के लिए, उनकी आलादनी शक्ति ही उन्हें आनंद देती रहती है। तो इस प्रकार से ये सारी रानियां भी उनको विचलित नहीं कर पाई, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर भी संसारी लोग समझते हैं कि कृष्ण हम में से ही एक हैं, क्योंकि कृष्ण के कई सारे ऐसे लीलाएं हैं, ऐसा लगता है कि वो एक साधारण बालक है जो कि चोरी करता था मक्खन की, जो कि किसी की मटकी फोड़ देता था, तो ऐसा लगता है कि कोई साधारण सा व्यक्ति है। लेकिन भगवान हमेशा गुणों से अप्रभावित रहते हैं किसी भी प्रकार के, क्योंकि वो गुणों के कंट्रोलर हैं। माया अध्यक्षेन प्रकृति, भगवान बोलते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चलती है। भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है मेरी इन्फीरियर एनर्जी है, इन्फीरियर एनर्जी यानी कि ये तो मेरी तुच्छ शक्ति है, इसके ऊपर तो जीव शक्ति है, उसके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ, जीव शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का ही पार्ट है, तो ये भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान को कैसे प्रभावित कर सकती है? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि द्वारका की रानियां ऐसा समझती थी कि उनके पति एक साधारण से, मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नियों से बड़े अटैच्ड हैं। हाँ, इस तरह की उनको पता नहीं था कि भगवान की ग्लोरी क्या है वास्तव में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अज्ञानता थी, ये अज्ञानता नहीं थी। हमने सुना कि किस प्रकार से शुद्धतम व्यक्ति ही भगवान के इतने करीब आ सकता है, तो इन स्त्रियों ने हजारों साल तपस्या करके, भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया था, ये जान के कि ये भगवान है, और अब भगवान ही उनको भुला देते हैं। तो हमने सुना कैसे नास्तिक भी भूल जाते हैं, लेकिन कई बार भगवान ऐसे अपने भक्तों को बुलाते हैं क्योंकि उनके साथ प्रेम संबंध करना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान का प्रेम संबंध अपनी रानियों के साथ हुआ, माताओं के साथ हुआ, द्वारका के वासियों के साथ हुआ। तो हमने सुना किस तरह एक्साइटमेंट है इस माहौल में। हमारे हृदय में एक्साइटमेंट नहीं है तो काहे की भक्ति हम कर रहे हैं? प्रभुपाद बोलते थे चैंट एंड बी हैप्पी, हमारे चेहरे लटके रहते हैं। अच्छा एक और सेवा आ गई, ओहो अच्छा एक और फेस्टिवल, क्या रोज ही, या तो फेस्टिवल क्या रोज, हरे कृष्णा, हर दूसरे दिन कोई जा रहा है, हर दूसरे दिन कोई आ रहा है, जा रहे हैं तो स्वागत, आ रहे हैं तो स्वागत, कभी ये उत्सव। तो हमारे हृदय में एक्साइटमेंट नहीं है तो हमारी भक्ति का जो है ना अंकुरण अभी आया नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उत्सव होते रहते हैं यहाँ। तो जैसे हम भागवतम में एक झलक आपको दिखाई गई, जस्ट भगवान का वेलकम था, तो कैसे उत्सवों में हमने सुना कैसे हमारा उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म परमतरात, रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्साह जो है भक्ति का एक विशेष अंग है। तो इस पूरे चैप्टर में हम केवल उत्साह उत्साह और उत्साह देखते हैं। यदि उत्साह नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है। तो कृपया अपने हृदय को सरल बनाइए, क्योंकि सरल व्यक्ति ही उत्साहित हो सकता है। जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति होता है ना, वो तो हंसते हुए भी, आजकल के लोग कैसे हंसते हैं, हंसते हुए भी छींक आती है तो छींक को रोक लेते हैं, हंसी आती है तो हंसी को रोक लेते हैं। तो बड़ा सरल हृदय करना पड़ता है हंसने के लिए भी, उत्साहित होने के लिए भी। तो कलू जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हृदय है वो उत्साहित नहीं होता है। वो बड़ा डेलीकेट, बड़ा सोफेस्टिकेटेड व्यक्ति होता है वो उत्साहित नहीं होता है। इसलिए उत्साह
भक्ति का अंग है, उत्साहित होइए और भगवान का नाम जपिए और सदा खुश रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि मद्भागवतम की जय।